आसमान में घूमते हुए बादल तो हमें हर रोज ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम काले रंग के बादल आसमान में देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि अब बारिश आने वाली है। लेकिन बरसाती बादल आखिर काले क्यों होते हैं और इनमें सफेद बादलों से क्या अलग होता है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। सफेद और काले बादलों में सबसे बड़ा अंतर उनके आकार का होता है। सफेद बादल छोटे होते हैं और काले बादल काफी बड़े आकार के होते हैं, और बादलों का रंग भी इनके आकार से ही तय होता है। आसमान में होने के कारण ये तो तय है कि दिन के समय सूरज की रोशनी बादलों पर भी पड़ेगी, और जब ये रोशनी छोटे बादलों पर पड़ती है तो उनको आसानी से पार कर जाती है, जिस कारण वो सफेद नजर आते हैं। लेकिन बरसाती बादल बहुत बड़े होते हैं, उनमें बूंदों का आकार और मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही वो बहुत घने भी होते हैं, जिस कारण सूरज की रोशनी उन्हें पार नहीं कर पाती, इसलिए नीचे से देखने पर वो काले दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि जब ये बादल आसमान में आते हैं तो एक बार हर तरफ अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं। इसे आप एक आसान एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। अगर आप एक टॉर्च की रोशनी किसी पतले कागज पर मारेंगे तो रोशनी उसे पार तो करेगी ही, साथ में वो उस कागज को भी जगमगा देगी। लेकिन अगर आप वही रोशनी किसी कागज के एक बंडल पर मारेंगे तो वो उसे पार नहीं कर पाएगी और उसकी दूसरी तरफ अंधेरा ही रहेगा। और यही चीज बादलों के साथ भी होती है। सफेद दिखाई देने वाले बादल कागज के एक पतले टुकड़े की तरह होते हैं, जो रोशनी को रोकने के बजाय उसे प्रवर्तित करते हैं, और जैसे सूरज की रोशनी उन तक आती है वो उसे वैसे ही आगे और चारों तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन काले दिखाई देने वाले बरसाती बादल कागज के एक बंडल की तरह होते हैं, जो कई सफेद बादलों के बराबर होते हैं, जिस कारण वो सूरज से आने वाली रोशनी को सोख लेते हैं और उसे नीचे तक नहीं पहुंचने देते, जिस कारण इनका निचला हिस्सा काला नजर आने लगता है। तो ये है बरसाती बादलों के काले होने की असल वजह। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।